हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आप सब लोग लेके बहुत ही चिंता में हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि COVID-19 की वजह से जो एग्जामिनेशन डेट है, जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो CSIR हो, चाहे UGC हो, चाहे JNU इंट्रेंस एग्जाम, चाहे DU इंट्रेंस एग्जाम, तो सबकी डेट अभी तक नहीं आई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन की जो कि NTA ने रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने जो एग्जाम की जो डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो सारी जो हैं वो मेंशन कर रखी है। तो उस वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए हम देख लेते हैं NTA का वो ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है और उस नोटिफिकेशन में जितने भी एग्जाम्स हैं, ये मेन मेन एग्जाम से उनका जो है एग्जाम डेट दे रखा है। तो चलिए इसके लिए हम टाइप करते हैं NTA। तो आपको जब टाइप करना है गूगल पे CSIR NTA, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपको जब CSIR NTA टाइप करिए, तो जैसे ही आप CSIR NTA टाइप करेंगे तो इसका जो नया विंडो ओपन होगा और उस विंडो में आप देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSIR NTA की और NTA की वो आपको दिखेगी। अगर आपको CSIR का एग्जाम के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप CSIR.net.nta.nic.in पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मल देखते हैं CSIR की और जो NTA है उसकी वेबसाइट। तो इसके लिए आपको जो वेबसाइट है वो www.nta.ac.in है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इसकी NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होगा और उस विंडो में जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि CSIR से रिलेटेड है वो ओपन हो गई। तो यहाँ पे आपको जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे होंगे, उस पॉइंट्स में इंजीनियरिंग एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, जिसका भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचिंग फेलोशिप एग्जाम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस इस टाइप का ओपन होगा। तो इस इंटरफेस में आपको बॉटम में स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको UGC नेट वेबसाइट एंड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा और उस विंडो में आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है करंट इवेंट्स में पब्लिक नोटिस दिखा रहेगा। इसमें देखिए लिखा है डेट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियल NTA ने रिलीज किया है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो वो डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो वेरियस एग्जाम की जो डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में। तो देखिए यहाँ पे जो वो नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया है और ये हो गया आपका जो पब्लिक नोटिस है जो कि NTA ने रिलीज किया है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट दे रखा है डेट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसमें जितने भी एग्जामिनेशन जो भी NTA कंडक्ट कराएगी उनका जो है टेंटेटिव डेट दे रखा है। तो इसमें हम अगर बात करें कि सबसे पहले एग्जाम की अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे DUET भी बोलते हैं, तो उसका जो न्यू डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो दे रखा है 6 to 11 September 2020। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग ICAR की, जिसमें UG ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, उसका जो UG प्रोग्राम है उसके अगर एग्जाम डेट हम देखें तो वो है 7 to 8 September 2020। वहीं अगर बात करें हम इग्नू की, जिसमें जो कि MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती है, उसका अगर एग्जाम डेट देखें तो उन्होंने 15 सितंबर 2020 दे दिया है। वहीं अगर बात करें हम UGC नेट जून 2020, जो भी एग्जाम होने वाला है UGC नेट जून 2020 का, उसका जो टेंटेटिव डेट दे रखा है वो 16 to 18 September 2020 और 21 to 25 September 2020 दे रखा है। वहीं अगर हम बात करें ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की, तो उसकी जो एग्जाम डेट है वो 28 सितंबर 2020 दे रखी है। वहीं अगर हम बात करें इग्नू PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की डेट, तो वो जो मेन डेट है, जो न्यू डेट दे रखी है, उन्होंने 4 अक्टूबर 2020 दे रखी है। वहीं अगर बात करें ICAR का PG जो प्रोग्राम और PhD के लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका डेट जो है वो शॉर्टली अनाउंस करेंगे। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला द डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर, सेंटर, डेट, शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कमेंस अबाउट 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसका इन्होंने बोला है कि एग्जाम की 15 डेज पहले क्या होगा, जो आपका एडमिट कार्ड है वो जो एग्जामिनेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो 15 डेज बिफोर दे विल अपलोड द एडमिट कार्ड। इसके साथ ही साथ इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो ईमेल आईडी, जो फोन नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए इनसे रिलेटेड तो आप जो हैं इन वेबसाइट्स पे जाके लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं और साथ ही साथ
आप जो है फोन नंबर यहाँ पे मेंशन किया रखा है, तो आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन था जो कि एनटीए ने रिलीज किया है। अब जितने भी एग्जाम हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें टोटल 7 एग्जाम जो है जो कि एनटीए कंडक्ट करा रही है, उसका उन्होंने जो न्यू डेट है एग्जामिनेशन की वो दे रखी है। तो आप जैसे कोविड-19 सिचुएशन को अगर देखें, तो अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हर्ड इम्यूनिटी का आ रहा, मतलब जितने भी लोग ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे कोविड-19 से, तभी जाके क्या होगा जो पॉपुलेशन में जो है वो एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होंगी उन लोगों में। उसके बाद ही क्या होगा कि जितने ज्यादा लोग जो है वो इन्फेक्टेड होते जाएंगे, तभी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में आएगा। तो जैसा कि दिल्ली में हम लोग देख सकते हैं कि मोस्टली जितने भी ऑलमोस्ट 28-29% जो लोग हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके अंदर क्या है जो एंटीबॉडीज का है वो फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसी की तरह देख के जितने और एग्जाम, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बीएड का एग्जाम था, यूपी बीएड का, तो वो भी कंडक्ट करा दिया गया। इसी के अलावा जो और एग्जाम था जो कि वेटरनरी से रिलेटेड था, जहाँ पे आप अगर जो वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसका भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया गया। तो मेरे ख्याल से आप जो ये डेट है ये फिक्स रहेंगी, ये जो डेट है ये चेंज नहीं होंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डेट है वो 99% जो है वो डेट जो है वो सिमिलर रहेंगी जो कि एनटीए ने अभी रिलीज कर दी है। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और ये जो एग्जाम की डेट है वो मोस्टली यही रहेंगी, तो ये चेंज नहीं होंगी। तो आप अपना तैयारी अच्छे से करिए और एग्जाम देने जाइए। और जैसा कि हम लोग ने देखा कि जेई नीट का जो भी एग्जाम है जिसके लिए प्ली डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया और जो जेई नीट का जो एग्जाम है वो भी जो है वो टाइम पे हो। जैसे ही नीट का एग्जाम जो 13 सितंबर को होने वाला था वो 13 सितंबर को ही होगा, उसमें पोस्टपोन नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देख के लगता है कि जो एग्जाम है वो कंटिन्यू होंगे, इसमें कोई भी डिले नहीं होगा और जो डेट दे रखी है उसी डेट पे जो है एग्जाम वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो यही मेरा एक छोटा सा वीडियो, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।